Assalamu alaikum nazreen, welcome to another episode of Higher Presents Smart Cooking Show on Masala TV with me Zarnak Sidwa. Aaj ke is episode mein hum khana to banayenge, lekin hamare saath ek special guest hain, unko main introduce karati hu aur aap se mulaqat karati hu. So Mr. Kashif Javed is here, the director refrigerator from Higher, and he has 17 years experience in this field. So welcome to our show. Thank you. कुछ बताइए ज़रा हायर के इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर के बारे में हमें. इससे पहले मैं आपको हायर का बताऊंगा. हायर बेसिकली वी स्टार्टेड आर ऑपरेशन इन 1984 इन चाइना, और उसके बाद पाकिस्तान में हम 2001 से काम कर रहे हैं. इट्स मोर देन 20 इयर्स. और जब भी हम कोई भी टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, हम अपने कंज्यूमर्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनकी नीड्स हैं, वॉन्ट्स हैं, हम उनको समझते हैं, देन हम उनकी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं. तो ये जो इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है, ये भी सारा इसी बैकग्राउंड के ऊपर बनाया गया है कि हमने पहले देखा कि पाकिस्तान में बिजली के बहुत मसाइल हैं, महंगी बहुत ज़्यादा है, और इवन हर आने वाले दिन के साथ इसकी कीमत बढ़ती जा रही है. अब जब ये मसाइल थे, फिर लोड शेडिंग के बहुत मसाइल हैं, फिर वोल्टेज के बहुत सारे मसाइल हैं. अब ये तो एक चीज़ है बिजली, इसके साथ जो दूसरी चीज़ें लिंक हैं वो हैं कंज्यूमर की नीड्स फॉर देयर स्टोरेज, कि जब आप बल्क में बाइंग करते हैं अपने फ्रेश रहे वेजिटेबल्स, हाँ जी, सब्जियां खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, खाना बना लेते हैं, बाद में यूज़ करना होता है, या आपको बर्फ़ चाहिए, तो आपको एक ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जिसमें आप ये सारी चीज़ें उनकी क्वालिटी के मुताबिक, जो रियल अल्लाह ताला ने उनके अंदर एक टेस्ट रखा है, आप उनको स्टोर करें, प्रिजर्व कर लें और दोबारा इस्तेमाल कर लें. तो ये सारी चीज़ों को हमने जब स्टडी करके हमने प्रोडक्ट बनाई, तो फाइनली हमने 2022 के अंदर इन्वर्टर फ्रेश डिजिटल इन्वर्टर प्लस रेफ्रिजरेटर हमने लॉन्च की. ओके, आपको कुकिंग का शौक है? किसको नहीं होता है. वो दैट्स गुड. तो फिर आई कैन टेक रेस्ट टुडे और आप कुकिंग करेंगे, राइट? नहीं, मेरे ख्याल में आप हमें लीड करें और हम सीखते हुए कुछ बनाते हैं. ओके, सो टुडे वी आर डूइंग अ बटरस्कॉच पुडिंग. जी ठीक है, बहुत ही आसान रेसिपी है, और हम हायर का बिल्ट इन अवन यूज़ करते हुए चिकन बगेट बनाएंगे विद वेजिटेबल्स, जो हम चीज़ के साथ ग्रिल कर देंगे. सो दैट्स अ वेरी सिंपल रेसिपी. तो चलिए फिर किचन के काउंटर की तरफ चलते हैं. ओके जी, सो हम आ गए हैं हमारे किचन में, और ये मुझे हेल्प करेंगे आज. ज़रा चमचा चलवा लूँगी आपसे, ठीक है? ओके, डन डील. ओके, सो नाउ आज हम बना रहे हैं बटर स्कॉच पुडिंग. हम यूज़ कर रहे हैं हायर का ये हॉब, स्मार्ट एंड सेफ हॉब है. 3 बर्नर्स इन अ रो है, ब्रास के बर्नर्स हैं, एंड टेम्पर ग्लास है, आराम से साफ भी हो जाता है. सो आई हैव गॉट सम डार्क ब्राउन शुगर. बटर स्कॉच पुडिंग के लिए, कैरमल या बटर स्कॉच पुडिंग के लिए, यू नीड डार्क ब्राउन शुगर. सो डार्क ब्राउन शुगर पहले हमारे पैन में चली जाएगी. उसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर. इसको अच्छी तरह निकालना पड़ता है, बिकॉज ये जाके बोल में चिपक जाता है. सो यू नीड अ स्पैचुला फॉर दैट. ओके, फिर हम पाकिस्तानी यानी ईट पाकिस्तानी. जी बिल्कुल सही. थोड़ा सा चुटकी भर हम इसमें नमक डालेंगे, और फिर इसमें हम दूध शामिल करेंगे, और अब आपका काम शुरू हो जाता है, जिसमें आपको ट्विस्ट करना है इसको. या दैट्स नाइस, मुझे ज़रा रेस्ट मिलेगी आज. जी मैं अच्छा स्टूडेंट भी हूँ. ओके अच्छा, बकिया मक्खन है, क्रीम है, वेनिला एसेंस है, वो हम बाद में डालेंगे. थोड़ा सा दूध ये ज़रा थोड़ा मिक्स हो जाए, थोड़ा अच्छा सा ब्राउन कैरमल सा कलर आ जाए उसके बाद, और फिर आप इसको किसी डिश में, किसी बोल में, किसी छोटे शॉट ग्लासेस में रख दीजिए एंड डेकोरेट करिए विथ समथिंग लाइक अ चॉकलेट डेकोरेशन. कोको पाउडर है, क्रीम है, वॉट एवर यू लाइक. चलिए, आई थिंक इट्स ऑलरेडी. यस, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू. सो टेल अस समथिंग मोर दैट हमारी जो हाउस वाइफ हैं, जो हमारा शो देखती हैं, उनको समथिंग डिफरेंट अबाउट योर हायर इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर. अच्छा, अभी मैं आपको हायर का ये जो डिजिटल इन्वर्टर प्लस हमारा रेफ्रिजरेटर है, इसकी कुछ ऐसी खूबियां बताता हूँ जो ऑब्वियसली बाज़ का आप डीलर के पास जाते हैं, आपको वो नहीं बता पाता सेल्समैन या डीलर. हमारा डिजिटल इन्वर्टर प्लस के अंदर डिजिटल कंट्रोल सिस्टम है, जो बिल्कुल यूनिक फीचर है पाकिस्तान में, और किसी भी लोकली मैन्युफैक्चर्ड रेफ्रिजरेटर में ये नहीं आता. फिर इसके अलावा हम 4 टेम्परेचर सेंसर यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर. ये बेसिकली सेंसर लिंक हैं डिजिटल कंट्रोल सिस्टम से. आपको जो टेम्परेचर चाहिए वो आप बता दें, खुद सेट कर दें, उसके बाद वो टेम्परेचर सेंसर हेल्प करता है सिस्टम को
वो टेम्परेचर इंश्योर करने के लिए. okay. अच्छा, फिर इसके साथ हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं कंप्रेसर में. FD इन्वर्टर सेकेंड जनरेशन हम यूज़ कर रहे हैं. ये कंप्रेसर, ये चारों सेंसर्स और डिजिटल कंट्रोल सिस्टम जो है, ये इंश्योर करता है कि जो टेम्परेचर सेट किया है कस्टमर ने, जो यूज़र ने, वो यहाँ पे आपको नज़र भी आता रहे. फाइनली वो इंश्योर करता है 4 टेम्परेचर सेंसर्स के थ्रू. फिर इसके अलावा सिर्फ यही खूबियाँ नहीं है इसके अंदर, इसके फ्रीज़र के अंदर भी लाइट्स हमने दी. फॉर एग्जांपल, रात के वक्त मोस्टली क्या होता था, पहले पुराने दौर के आउटडेटेड रेफ्रिजरेटर, आप जाते हैं लाइट ऑन करते हैं, देन फ्रीज़र में से नॉर्मली रात को जो ज़्यादातर चोरियाँ होती हैं वो आइसक्रीम्स की होती हैं, फ्रीज़र मिडनाइट स्नैक्स. यस, तो वो फ्रीज़र के अंदर भी लाइट्स हमने दे दी ताकि आपको रूम की लाइट ऑन ना करनी पड़े, ताकि लोगों को ना पता चले कि आप क्या करने जा रहे हैं. तो फाइनली ये एक बड़ा यूनिक फीचर है जो ऑब्वियसली हमारे जो हाउस होल्ड्स हैं उनके बच्चों को ये ज़रूर पसंद आएगा. सेकेंडली, फिर जब हम इसके रेफ्रिजरेटर पोर्शन को स्टडी करते हैं, तो इसके अंदर हमने TABT फैन दिया. ओके, व्हाट इज दैट? ये इंश्योर करता है कि जो पूरा रेफ कंपार्टमेंट है इसके अंदर 99.9% तक बैक्टीरियाज एलिमिनेट हो जाए. अच्छा, जो बहुत बड़ा फीचर है एक्चुअली, जो बैक्टीरिया एक्चुअली ख़राब करता है हमारे खाने पीने की चीज़ों को. फिर इसके अंदर हमने ब्यूटी बॉक्स दिया हुआ. अच्छा, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी आजकल मेकअप आइटम्स आई हुई हैं जिनको आप स्टोर रेफ्रिजरेट किए बिना नहीं रख सकते उनकी क्वालिटी. ये कहाँ है, मुझे भी देखना है. जी हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ. Where's the beauty box? Oh, yeah. This is the beauty box, जिसमें आप सिर्फ अपनी ब्यूटी के आइटम्स नहीं, हाँ अलबत्ता मेडिसिन भी संभाल के रख सकते हैं. Now I know. अच्छा, इसके साथ साथ जो इस डिजिटल इन्वर्टर प्लस का सबसे बड़ा फीचर है वो है ACS टेक्नोलॉजी. What is that? That is humidity control system. अच्छा, ये नेचर से इंस्पायर्ड टेक्नोलॉजी है. हम जब देखें कि हम फल सब्जियां लेने जाते हैं तो ठेले वाला दुकानदार वो फल के ऊपर, सब्जियों के ऊपर पानी का छिड़काव कर रहा होता है. वो एक्चुअली नेचर के एक कॉन्सेप्ट को समझ चुका है, जो ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से आप जाते हैं दुकान पे, फल सब्जियां ताज़ा पड़ी होती हैं, अब लेके आते हैं घर में, इवन फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं, वो अगले दिन दो दिन बाद वो पैरिशेबल होके वो मुरझा जाते हैं. इस सारी टेक्नोलॉजी को हमने, नेचर को समझा, इसको टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया और अपने डिजिटल इन्वर्टर प्लस रेफ्रिजरेटर में हमने कंज्यूमर के लिए दे दिया. अब इसकी मदद से जो हमारे वेजिटेबल बॉक्स के अंदर हम फल और सब्जियां स्टोर करते हैं, ये 90% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी इंश्योर करता है हमारा ये फ्रिज. और फाइनली जो आपने फल सब्जियां रखी हैं वो किसी भी दूसरे रेफ्रिजरेटर की निस्बत 2 गुना ज़्यादा लंबे अरसे तक फ्रेश रहती. ओके, ये एक यूनिक फीचर है जो पाकिस्तान में और किसी रेफ्रिजरेटर में अभी नहीं है. ओके, थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल दैट इन डिटेल. तब तक मेरा बटरस्कॉच पुडिंग भी रेडी हो गया. और अब ये क्रीम, आप सोचेंगे मैं कब डालूंगी, ऑब्वियसली इसको थोड़ा हमें ठंडा करना है. सो ठंडा करने के लिए वी गॉट हायर रेफ्रिजरेटर, एंड उसमें मैं इसको निकाल के बोल में, पहले मैं इसमें वेनिला एसेंस डाल दूँ. बटरस्कॉच एसेंस भी मार्केट में मिलता है. और मैं इसमें मक्खन डाल दूँ, फीका अनसॉल्टेड मक्खन है ये. क्रीम मैं अभी नहीं डालूँगी बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि क्रीम अंदर जाते ही गुठलियाँ सी फॉर्म हो जाएं. सो क्रीम इज़ हियर, क्रीम हम बाद में डालेंगे. इसी में मक्खन को विस्क कर दें. इसी की हीट में मक्खन पिघल भी गया. और अब हम एक और बोल में इसको निकालेंगे. इसमें मैं नहीं रखूँगी, एक अलग बोल में रखेंगे. और बोल के ऊपर डायरेक्टली हम क्लिंग फिल्म लगाएंगे और फिर उसको हम रख देंगे टू चिल. ये अभी से बहुत टेस्टी नज़र आ रहा है मुझे. अभी मैंने क्रीम नहीं डाला है, मेक इट नाइस एंड रिच. ठीक है, इसको हम ज़रा ठंडा होने के लिए रख देते हैं. इन हायर्स रेफ्रिजरेटर. अब हम ऐसे करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं. ब्रेक से वापस आएंगे तो वील डू आर चिकन वेजिटेबल्स के साथ चिकन बगेट हम
हायर के बिल्ट इन अवन में करेंगे और फिर जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा पुडिंग तो इसमें फिर हम क्रीम फोल्ड इन कर देंगे। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी विथ मीज अर्नक सिद्धवा एंड काशिफ साहब, एंड ही हैज़ एक्सप्लेन सो वेरी वेल के हायर का डिजिटल इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर वी आर ऑल कन्विंस्ड टू बाय इट नाउ। ओके नाउ दूसरी रेसिपी देखें। पहली रेसिपी तो बटर स्कॉच पुडिंग जो है वो उसको ठंडा करने के लिए मैंने हायर के रेफ्रिजरेटर में रख दिया था और फिर जब वो ठंडा हो जाएगा तब हम उसमें फिर क्रीम मिक्स करेंगे और फिर इसको किसी डिश में, बोल में, किसी शॉट ग्लास में, किसी इंडिविजुअल डिशेज में निकाल देंगे। ठीक है, द रीज़न इज़ कि अगर मैं गरम गरम में क्रीम डाल देती तो बहुत गुठलियाँ सी बन जाती हैं, अजीब सा वो टेक्स्चर हो जाता है। सो लेट इट कूल इन हायर रेफ्रिजरेटर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट रेसिपी, मेरे पास यहाँ चिकन है, बारबेक्यू सॉस है, चीज़ है ग्रेट किया हुआ, लहसुन है क्रश किया हुआ, कुछ मिक्स वेजिटेबल्स हैं और मक्खन है। अब ये सारी चीज़ों को हमें बगेट पे लगाना है। द फ्रेंच डबल रोटी जो हमारी होती है, कड़क वाली बड़ी डबल रोटी, उसको मैंने हाफ कर दिया था। ठीक है, और इसमें हम ये सारा भरेंगे एंड देन वील जस्ट ग्रिल इट। अब मेरे पास यहाँ चिकन स्ट्रिप्स हैं, ये देसी नहीं है, आपको देसी पसंद चलेगा चलेगा। ओके सो सम चिकन एंड सम बारबेक्यू सॉस, कोई मिर्च मसाला नहीं है, जिस जस्ट अ स्नैक, बच्चों को अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें। चीज़ की भरी हुई बारबेक्यू सॉस के साथ चिकन के स्ट्रिप्स को हल्का सा मैं सॉटे कर देती हूँ और ये पक जाएगा तो फिर हम इसको स्प्रेड कर देंगे ऑन द ब्रेड विथ वेजिटेबल्स एंड गार्लिक बटर। अब गार्लिक बटर के लिए मुझे मक्खन पिघलाना है, सो वाई नॉट यूज़ हायर्स बिल्ट इन माइक्रोवेव। अच्छा काशिफ साहब, मुझे ये बताइए कि बिजली की बचत के बारे में आप ज़रा बताइए, बिकॉज बिजली इज़ वेरी एक्सपेंसिव नाउअडेज, तो हाउ डज हायर रेफ्रिजरेटर हेल्प अस डू दैट? बिल्कुल, हायर रेफ्रिजरेटर जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ये कंज्यूमर और ऑब्वियसली हम जिस डेमोग्राफिक सिचुएशन में रह रहे हैं, हम पूरा स्टडी करते हैं कंज्यूमर को। हायर रेफ्रिजरेटर डिजिटल इन्वर्टर प्लस मॉडल, ये दिन में एक यूनिट से भी कम बिजली का खर्च करता है। एक यूनिट से भी कम, यस। अच्छा, तो आप देखें कि ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है और इसमें हम FD इन्वर्टर सेकंड जनरेशन कंप्रेसर इसमें यूज़ करते हैं और जिसकी वजह से ये हमें इतनी ज़्यादा बिजली की बचत देता है। ओके और फाइनली सिर्फ यहीं तक बात महदूद नहीं है, हम अपने जो रेफ्रिजरेटर हैं इसको मार्केट में दूसरों की निस्बत हम कैसे बेहतर बनाते हैं, कि जैसे शुरू में आपको बताया, हम पहले कस्टमर को समझते हैं क्या उनको चाहिए, कहाँ रहते हैं वो, किस सिचुएशन में रहते हैं, क्या इकोनॉमिकल उनकी सिचुएशन है, देन हम अपनी प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। ये शुरू में मैंने आपको शेयर किया जी। अब जब हम अपनी प्रोडक्ट बना लेते हैं, हम उसको एक मैसिव नंबर ऑफ टेस्ट से हम गुजारते हैं ताकि जो क्वालिटी है वो इंश्योर रहे। तो हायर पाकिस्तान अपनी तमाम प्रोडक्ट्स जो हमने यहाँ पे देख रहे हैं आज, इन तमाम प्रोडक्ट्स के पीछे एक बेसिक चीज़ है, दैट इज़ क्वालिटी। वो हम क्वालिटी इंश्योर करते हैं और रेफ्रिजरेटर के अंदर जो हमारी क्वालिटी है उसका हम आपको एक सबूत देते हैं कि हमारे जो वारंटी है कंप्रेसर की, दैट इज़ 10 ईयर्स। अच्छा, तो 10 साल कंप्रेसर की वारंटी है हमारे इस डिजिटल इन्वर्टर प्लस मॉडल की। अच्छा, इसके साथ जो हमारे इसमें PCB किट और हमारा डिजिटल पैनल लगा हुआ है, इसकी 3 साल की वारंटी है। ओके, और इसके अलावा फिर जो बाकी पार्ट्स हैं उनकी 1 साल की। ओके, तो ये तमाम चीज़ें एक्चुअली इंश्योर करती हैं और हमारे कंज्यूमर के कन्विंस करने के लिए ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि हमें यकीन है हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी का और फाइनली हमने फिर इसकी वारंटी जो है वो इतने लंबे अरसे के लिए ऑफर की हुई। ओके ठीक है, अब आप मुझे हेल्प करने वाले थे मैंने सुना था। जी बिल्कुल, सो देयर इज सम गार्लिक बटर, अगर आप एक नाइफ लेके थोड़ा सा गार्लिक बटर इस पे स्प्रेड कर देंगे जी, मुझे बताएं, तो दैट वुड बी नाइस। चिकन हमारी हो गई है, मैंने इसमें कुछ तेल भी नहीं लगाया, इसमें मैंने कोई चीज़ नहीं डाली, सिर्फ बारबेक्यू सॉस करना है। या लिबरली स्प्रेड, चमचे से कर लें इफ़ यू फील दैट्स बेटर। फिर यहाँ मेरे पास नाजरीन मिक्स वेजिटेबल्स हैं, चीज़ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जाएंगी। या आई थिंक दैट्स बेटर, या ओके। और वो पुडिंग को भी ज़रा देखते हैं। ओके, पुडिंग भी हमारा ये देखिए,
पुडिंग भी हमारा ठंडा हो चुका है, इसमें भी हमें सिर्फ क्रीम मिक्स करना है। दोनों पे लगाना जी? प्लीज़, थैंक यू, एक्सेलेंट जॉब। ओके, सो इसके ऊपर गार्लिक और पिघला हुआ मक्खन, चिकन बारबेक्यू सॉस में पका हुआ, मिक्स्ड वेजिटेबल्स और चीज़। एक्सेलेंट, माय जॉब इज डन। ओके, ग्रेट, थैंक यू। हम थोड़ा सा बारबेक्यू सॉस में पका हुआ चिकन, आपके पास चिकन टिक्का हो वो आप डाल दीजिए श्रेड करके, आपके पास बचा हुआ रात का कीमा पड़ा हो, एनीथिंग यू कैन डू, कोई भी चीज़ ज़ाया ना करें। लेफ्ट ओवर्स फ्रॉम योर किचन, लेफ्ट ओवर्स फ्रॉम योर फ्रिज, उसको आप कुछ ना कुछ बनाते रहिए। और बहुत आसान रेसिपीज़ हैं हमारी, हायर का शो देखते रहिएगा, इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा और ये रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा अलॉन्ग विद द अप्लायंसेस। ओके, वी आर डन, ये भी हो गया। अब जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते उनको इस तरह छुपा के खिला दें, चीज़ के नीचे डाल के। यू कैन पुट एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग यू हैव। और यू गॉट चीज़, चेडर मोज़रेला दोनों ग्रेट करके। आप कुकिंग करते हैं क्या घर पे कुछ? कभी कभार। अच्छा, व्हाट टाइप? जस्ट जो अभी आपको असिस्ट करूं। अच्छा, इस तरह? जी। अच्छा, ओके, ये है, ये एक अच्छी चीज है कि हम जो भी अवेलेबल है वो हमने डाल दिया सब कुछ। जी जी, एंड देन जस्ट पुट दिस, चीज मेल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा बगेट क्रिस्पी हो जाएगा। एंड देन अगर ये वाली डबल रोटी नहीं हो तो कोई बात नहीं, जस्ट यूज ब्रेड स्लाइसेस, ठीक है। और क्या बचा है अब? आई थिंक वी आर डन। या अब हायर के बिल्ट इन अवन में इसको हम पॉप इन कर देते हैं। अब ये देखिएगा नाज़रीन, मैंने इसको ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। रीज़न इज़ कि मैंने इसको ये वाला फीचर यूज़ किया है ऊपर और नीचे वाला फ़ैन के साथ। सो उसमें क्या है कि आप चूज़ कर सकते हैं, द फीचर्स ऑफ हायर बिल्ट इन अवन आर ऑल दीज लवली फीचर्स, जो फ़ैन है, फ़ैन के बगैर है, ग्रिल है, टॉप है, बॉटम है, इस तरह। और मुझे सिर्फ चीज़ को पिघलाना है, सो देयर इज़ नथिंग टू कुक, कोई चीज़ कच्ची तो है ही नहीं। ओके, हम ऐसे करते हैं, हम एक ब्रेक पे जाते हैं, हम क्लीन अप करते हैं, ब्रेक से आएंगे तो फिर ये बटरस्कॉच पुडिंग के अंदर क्रीम हमें मिक्स करना है। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। जी, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अब यहाँ हमारा पुडिंग भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है, इसमें मुझे क्रीम शामिल करना है, ठीक है, एंड मिक्स इट वेल। और फिर आप छोटे ग्लासेस में, शॉर्ट ग्लासेस में, किसी भी चीज़ में निकालना चाहें। टेबल पे भी देख लीजिएगा, जो हमने चीज़ पिघलाने के लिए हायर के बिल्ट इन अवन में रख दिया था, चिकन बगैट इज़ ऑल्सो रेडी। वेजिटेबल्स के साथ चीज़ है और चिकन है। अब देखें, पुडिंग तो ऑलमोस्ट सेट है बिकॉज ऑफ द कॉर्नफ्लावर इन इट। लम्स ना हो इसलिए मैं विस्क का इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। देखा आपने, इफ यू लाइक मोर क्रीम, थोड़ा सा और क्रीम, थोड़ी सी। अब मैं इसको ग्लासेस में निकालती हूँ। मेरे पास यहाँ चॉकलेट के डेकोरेशंस हैं, कोको पाउडर है, उसको आप छिड़कें ऊपर से और सर्व करें। ओके जी, तो ये पाइपिंग बैग में मैंने फिल कर दिया था बटरस्कॉच पुडिंग, ताकि नीटली हम इसको पाइप कर सकें अपने छोटे छोटे शॉर्ट ग्लासेस में, ठीक है। काशिफ साहब कोई बात तो करें। मैं बेसिकली, मुझे भूख लग रही है भूख इसको साथ में देख के। मैं आंखें नहीं हटाना चाह रही यहाँ से, बिकॉज़ इधर उधर गिर जाएगा। मुझे भूख लग रही है, इट सीम्स सो टेस्टी एंड यम्मी, स्टार्टेड फीलिंग हंग्री। ओके, तो मुझे बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे शो पे आज? बेसिकली ये देखें, बिल्कुल एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। नॉर्मली हम लोग जो करते हैं इंटीग्रेशन वो लाइव में कर रहे होते हैं, तो लाइव इज अ लिटिल डिफरेंट, एक्चुअली डिफिकल्ट तो नहीं होता, बट होपिंग यू वुड नॉट से डिफिकल्ट बिकॉज लाइव शो तो हम रोज कर रहे होते हैं। नहीं नहीं, नॉट डिफिकल्ट, नहीं नहीं, नॉट डिफिकल्ट, वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट। ये जो है ना, फ्रेंडली स्टाइल में
एक्सप्लेनेशन और ये वाली जो है डिस्कशन में आप किसी को बता रहे हैं और अगला बंदा वो बिल्कुल प्रोडक्ट भी सेट पे है, वो एक डिफरेंट है मेरे ख्याल में एक्सपीरियंस। वेल आई होप यू हैड अ गुड एक्सपीरियंस। यस आई डू। ओके चलिए, अब किसी भी तरीके से आप इसको डेकोरेट कर दीजिए, या आप इस तरह के छोटे हमारे पास ये हैं चॉकलेट के डेकोरेशंस, वो रख दीजिए, वट एवर यू लाइक। और मैं ऐसे करूँगी, कुछ मैं ये कर दूँगी और कुछ में मैं कोको पाउडर छिड़क दूँगी। सो हियर्स आर कोको पाउडर, छन्नी के थ्रू आप उसको ठीक है ये कर दिया आपने। सो लेट मी कैरी दिस देयर और फिर हम आपको ये सर्व करेंगे। बटर स्कॉच पुडिंग अज्जा, डार्क ब्राउन शुगर आधा कप, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चमचे, नमक 1/4 चाय का चमचा, दूध 1.5 कप, क्रीम आधा कप, अनसॉल्टेड बटर 2 खाने के चमचे, वनीला एसेंस 1.5 चाय का चमचा, क्रीम और कोको पाउडर गार्निश के लिए। तरकीब, आधा कप डार्क ब्राउन शुगर, 3 खाने के चमचे कॉर्नफ्लावर और 1/4 चाय का चमचा नमक को एक सॉस पैन में डाल के विस्क करें, फिर इसमें आधा कप दूध शामिल करके सोक करें। अब इसमें बचा हुआ दूध और आधा कप क्रीम शामिल करके अच्छी तरह यकजा कर लें, फिर इसमें उबाल आने दें और मुसलसल चमचा चलाएं, फिर इसे चूल्हे से हटाकर 2 खाने के चमचे अनसॉल्टेड बटर, 1.5 चाय का चमचा वनीला एसेंस शामिल करके यकजा कर लें। अब पुडिंग को एक प्याले में डालें, फिर प्लास्टिक से ढककर 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, फिर इसे क्रीम और कोको पाउडर से गार्निश करके सर्व कर दें। चिकन बगेट अज्जा, चिकन ब्रेस्ट फिले आधा किलो, बारबेक्यू सॉस 2 खाने के चमचे, मिक्स्ड सब्जी 1 कप, बगेट 1 अदद, कुटा लहसुन 3 खाने के चमचे, मक्खन 4 खाने के चमचे, कद्दूकश चीज 2 खाने के चमचे, सलाद पत्ते हस्बे जरूरत। तरकीब, चिकन फिले को लंबाई में काट कर बारबेक्यू सॉस के साथ मिक्स करें और 15 मिनट 220 डिग्री पर बेक करें या पैन में पकाएं। अब सब्जी को हल्का फ्राई करके एक तरफ रख दें, लहसुन और मक्खन के साथ मिक्स करें, बगेट को लंबाई में काट कर लहसुन और मक्खन का पेस्ट लगाएं, इस पर चिकन रखकर सब्जी और चीज़ डालें, अब ओवन में रखकर बेक करें कि चीज़ मेल्ट हो जाए, फिर सलाद पत्ते के साथ सर्व कर दें। ओके जी, तो खाना भी हमने यहाँ रख दिया है, काशिफ साहब हमारे साथ ही हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग ऑल योर नॉलेज विथ अस। आई होप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी ये सारी बातें समझ आई होंगी और फ़ायदा पहुँचा होगा। एग्जैक्टली। एंड हायर के रेफ्रिजरेटर के बारे में मैं कहना चाहती हूँ, अलॉन्ग विद द अदर अप्लायंसेज इट्स द बेस्ट सो फार दैट आई हैव यूज्ड, एंड बहुत जल्दी चीज़ें ठंडी भी हो जाती हैं, ऑफकोर्स एडेड फीचर्स जो इसमें हैं वो बहुत अच्छे हैं। सो आज हमने चिकन बगैट बनाया था, बहुत ही आसान रेसिपीज मैंने रखी हैं ताकि हम गेस्ट के साथ ज़्यादा बातें कर सकें, उनके साथ हम टाइम स्पेंड कर सकें, और मैंने आपको बटर स्कॉच पुडिंग बनाना सिखाया था विच इज़ अगेन ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल। एक चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आपने इसको पहले ठंडा करना है, फिर क्रीम शामिल करना है। अगर आप क्रीम पहले शामिल कर देंगे तो क्या होगा कि वो उसमें गुठलियाँ सी आ जाएंगी, वो टेस्ट में भी और टेक्स्चर में भी अच्छा नहीं लगेगा। ओके जी, काशिफ साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आर शो, शेयरिंग ऑल योर नॉलेज विथ अस। अब नाज़रीन आप दीजिए मुझे इजाज़त, मेरी और आपकी मुलाकात होगी एक और एपिसोड में, तो देखना मत भूलिएगा हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। अल्लाह हाफिज़।